नैनीताल नगर में बीती रात्रि भीषण अग्निकांड हो गया। इस अग्निकांड में 3 दोपहिया वाहन पूरी तरह से जबकि एक अन्य भी करीब करीब पूरा आग में भस्म हो गया। अलबत्ता 10 अन्य दोपहिया वाहन बचा लिए गए। आग के इन वाहनों को भी चपेट में लेने से बचाने में सक्रिय व प्रशंसनीय भूमिका एक होटल कर्मी एवं तल्लीताल के चीता मोबाइल प्रभारी शिवराज राणा तथा अग्निशमन कर्मियों की रही। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार अग्निकांड का कारण पास में लगे बिजली के पोल पर शॉर्ट सर्किट का होना बताया जा रहा है, जिसके नीचे खड़े वाहन से ही आग की शुरुआत हुई और आग बढ़ती चली गई। बताया गया है कि रात्रि करीब 2 बजे एक स्थानीय होटल कर्मी ने तल्लीताल के चीता मोबाइल प्रभारी शिवराज राणा को फांसी गधेरा के पास मनु महारानी लॉज के नीचे एक दोपहिया वाहन के जलने की सूचना दी। इस पर राणा तत्काल मौके पर पहुंचे और DCR के माध्यम से अग्निशमन विभाग को सूचना दी। इस पर अग्निशमन विभाग के कर्मियों ने मिनी हाई प्रेशर पंप की मदद से आग को पूरी तरह से बुझा लिया। इससे अन्य वाहनों में आग फैलने से बच गई। देखें किस तरह बचाई गई आग। वो थोड़ा फैल पहले यहाँ मार दो। विस्तृत समाचार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें ताकि हमारे वीडियो समाचार आपको सबसे पहले मिल सकें। और हाँ, हर रात्रि ठीक 9 बजे हमारा वीडियो समाचार भी देखना न भूलें। धन्यवाद।